बीच अच्छा, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? इंटर हेलोजन कंपाउंड मतलब दो हेलोजन से मिलके बना हुआ कंपाउंड, डिफरेंट हेलोजन से मिलके बना। जैसे ये ऐसे होते हैं, एक्स एक्स डैश, एक्स 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 डैश 3, एक्स एक्स डैश 5, एक्स एक्स डैश 7, ये होता है। यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ पे दो है एक्स और एक्स डैश, दे आर डिफरेंट हेलोजन्स। यहाँ इसमें एक्स डैश जो है वो साइज में स्मॉल होता है और एक्स जो है साइज में लार्ज होता है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जैसे इसका एग्जांपल तो एक ही है, खैर, IF7। IF7 ठीक है ना? तो फ्लोरीन छोटा है, आयोडीन बड़ा है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, आयोडीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये होते हैं यहाँ पे, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये +3 में, ये +5 में, ये +7 में, और एक्स डैश तो -1 में ही है सब जगह। तो ये इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं, इनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है, क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अमंग हेलोजन्स रेडियस रेशो बिटवीन आयोडीन एंड फ्लोरिन इज मैक्सिमम। ये बात तो सही है, हेलोजन्स में आयोडीन और फ्लोरिन, आयोडीन सबसे बड़ा होता है, फ्लोरिन सबसे छोटा होता है। एस्टाटिन को नहीं ले रहे, वो रेडियो एक्टिव होता है, उसको ज्यादा स्टडी नहीं करते। तो ये तो सही है, ठीक है। लीविंग एफ एफ बॉन्ड ऑल हेलोजन्स हैव वीकर एक्स एक्स बॉन्ड देन एक्स एक्स डैश बॉन्ड्स इन इंटर हेलोजन्स। ये जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं ना, इनकी रिएक्टिविटी हेलोजन से ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि इनका बॉन्ड वीक होता है हेलोजन्स के मुकाबले। तो कौन ज्यादा वीक हो गया? ये यहां लिखा है कि हेलोजन्स हैव वीकर एक्स एक्स बॉन्ड देन एक्स एक्स डैश बॉन्ड इन इंटर हेलोजन, मतलब ये कह रहा है कि एक्स एक्स डैश बॉन्ड स्ट्रांग होता है, यही हो गया ना? इंटर हेलोजन का बॉन्ड स्ट्रांग होता है हेलोजन से, ये कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट, पर ऐसा नहीं होता। इंटर हेलोजन का बॉन्ड हेलोजन से वीक होता है, क्लोरीन इसमें एक्सेप्शन है, ठीक है ना? तो एक्स एक्स डैश बॉन्ड इन इंटर हेलोजन इज वीकर देन एक्स एक्स बॉन्ड इन हेलोजन एक्सेप्ट एफ एफ बॉन्ड। तो ये बात गलत हो गई, इंटर हेलोजन का वीकर होता है, हेलोजन का नहीं। अमंग इंटर हेलोजन कंपाउंड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन आयोडीन फ्लोराइड। यस, ये बात सही है। इंटर हेलोजन कंपाउंड देखो, ये है ना, चार चार टाइप के, इसमें आयोडीन, और देखो पता है क्या, जैसे जैसे रेडियस रेशो बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे यहाँ इस तरफ आता रहेगा। जैसे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, CLF7 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि देखो आयोडीन बहुत बड़ा एटम है, आयोडीन बहुत बड़ा एटम है, उसके आसपास 7 क्लोरीन आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ सकते हैं। क्लोरीन इतना बड़ा नहीं है, क्लोरीन थोड़ा छोटा, उसके आसपास 7 क्लोरीन आ ही नहीं सकते, इसलिए CLF7 एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब जैसे जैसे इन दोनों का साइज का रेशो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इंटर हेलोजन कंपाउंड में ये नंबर ऑफ एटम इसके बढ़ते जाएंगे क्या, तो इसके अराउंड, ठीक है? तो इसलिए सबसे ज्यादा साइज का डिफरेंस किस में है? आयोडीन और फ्लोरीन में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस में होंगे? आयोडीन के फ्लोराइड में, IF7 में। ये बात सही है। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन्स, ये बात भी सही है। इंटर हेलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनका बॉन्ड वीक होता है हेलोजन्स के मुकाबले, ये बात सही है। हो गया, तो आंसर आ गया 1, 3 एंड 4। गिव रीजंस टू एक्सप्लेन व्हाई CLF3 एग्जिस्ट बट FCl3 डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ देखो, CLF3 का स्ट्रक्चर देखो जरा, CL F F F, और दो बच जाए, क्लोरीन के पास 7 होता है ना इलेक्ट्रॉन, तो 4 तो बच जाएंगे ना, 3 तो। अब यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्टेट नहीं एक्सपैंड होगा, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन इसके पास, 4 और 6 10 हो गए ना। तो CLF3 में क्लोरीन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, FCl3 में थोड़ी ऐसा होगा, क्लोरीन थोड़ी अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है ऐसे। क्लोरीन के पास तो डी और वाइटली नहीं है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इसलिए FCl3 एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है?